नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप रे, चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल। मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ FMCG कंपनीज में, उसमें से मोर देन 50% ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू दिस स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल। और ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कंपनी ने शायद बहुत अच्छा प्लान बनाया, कंपनी ने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया, बहुत बजट रखा है, सपोर्ट सब कुछ दिया मार्केट में, लेकिन अगर वहाँ पे जो सेल्समैन जा रहा है दुकान में ऑर्डर लेने के लिए, वहाँ पे दुकान में अगर ये सारे चीज़ सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। जितना भी आपका बजट हो, जितना भी आपने प्लानिंग किया है, सब फेल। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो जो एक कॉल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो इसीलिए कंपनी स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल फॉलो करते हैं। बड़े कंपनीज अलग अलग डिफरेंट नाम से इसको बुलाते हैं। ज़्यादातर स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल नाम ही ऐसा है। बट हम लोग जो स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल डिस्कस करने वाले हैं उसमें 8 स्टेप्स होंगे। एंड दिस इज आर स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल। जहाँ पे हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ पे हम लोग ये 8 स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल डिस्कस करते हैं। तो आज मैं यही 8 स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल डिस्कस करूँगा। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का रील्स में जितना भी मैंने PPTs अभी तक बनाया है, कंटेंट आप देखे इस मेरे चैनल में, उसका छोटा छोटा समरी वर्जन मैं इंस्टाग्राम में डालता रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है, कंपनीज है, क्लाइंट्स है, जो बोलते हैं कि आपका वीडियोस का कोई शॉर्ट वर्जन मिल सकता है क्या? तो ये जो कॉन्टेंट है उसमें मेरा वॉइस नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूँगा वीडियो में, बट जो PPT है वो शॉर्ट करके मैं डाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ ए वीडियो। तो वहाँ पे आप क्विक समरी के हिसाब से उसको देख सकते हो। सो आज ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे इंस्टाग्राम में ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक 8 स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल। जैसे कि मैंने बोला था, हम लोगों का स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल में 8 स्टेप्स है और जिसका नाम है प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस स्टेप्स ऑफ द सेल्स कॉल। तो ये प्रोग्रेस जो है इसका नाम है अग्रगति, मतलब आप आगे जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेस। और ये एक एक्रोनिम भी है जहाँ पे हर एक लेटर एक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज P फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दिन का शुरुआत में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेल्समैन मार्केट में जाने से पहले अपना टारगेट का प्लानिंग कर ले कि टारगेट आज कितना है, कौन सा बीट में जाना है, हमें क्या क्या सपोर्ट आइटम है आज की, क्या स्कीम है, कुछ कंज्यूमर ऑफर है, जो भी सपोर्ट आइटम कंपनी की तरफ से वो। एंड नंबर 3, अगर कंपनी कोई स्पेशल एजेंडा आज चला रहा है, जैसे कोई विंडो डिस्प्ले लेना है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है, कोई स्पेशल एजेंडा चला रहा है कंपनी, तो उसके बारे में जानकारी लेके अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाना। और ये प्लानिंग एंड प्रिपरेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। दुकान में घुसने से पहले भी प्लानिंग करना होता है कि अभी मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ तो इस कॉल में मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस कॉल, ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। Then the next step, R for respect and greet. Respect and greet मतलब दुकान के अंदर आप जा रहे हो, दुकानदार को रेस्पेक्टफुली आप ग्रीट करोगे और अपना कॉल शुरू करोगे। देखिए ये जो ग्रीटिंग स्टेप है इसमें आपको एक परमिशन भी लेना पड़ेगा, दैट इज फॉर आउटलेट चेक। आपने ग्रीट किया और दुकानदार से आपने परमिशन लिया कि क्या मैं आपका आउटलेट या फिर क्या मैं स्टॉक चेक कर सकता हूँ, तो दुकानदार का परमिशन लेके आप स्टॉक चेक करने लगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ओ फॉर आउटलेट चेक। सो दिस इज द स्टेप वेयर यू चेक द स्टॉक। यहां पे आपको क्या करना है, आप जाओगे, आप स्टॉक अपना स्टॉक चेक करोगे, कितना दिया था, कितना पड़ा है, क्या मूव कर रहा है, क्या नहीं मूव कर रहा है।
कंपटीशन का स्टॉक चेक करोगे, क्या था, क्या कंपटीशन का है, क्या कुछ नया लॉन्च किया है। तो देखिए, स्टॉक चेक के ऊपर मैंने और एक डिटेल वीडियो बनाया, नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये स्टॉक चेक करने का क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम राइट ऑर्डर डिटरमाइन कर पाए। ये सब कुछ देख के हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि आज इस कॉल में मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। स्टॉक आउटलेट चेक करते टाइम आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम में स्टॉक को अच्छी तरीके से शेल्फ में या जहाँ पे भी आपका स्टॉक है उसको लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फीफो मेंटेन करना है, फेसिंग करना है, विजिबिलिटी मेंटेन करना है, अच्छी तरीके से स्टॉक को सजाना है। तो इसके मर्चेंडाइजिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। देन द फोर्थ स्टेप इज जी, गेट द ऑर्डर। अभी आप क्लियर हो कि आपको क्या ऑर्डर लेना है, आप आउटलेट चेक कर चुके हो, वापस आए दुकानदार के सामने, आपने अपना प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट किया, ऑर्डर लेने के लिए आपने प्रोडक्ट्स का फीचर एंड बेनिफिट बताया, आपने एसक्यू वाइज ऑर्डर लेना शुरू किया, मार्जिन्स बताया, दुकानदार का प्रॉफिट बताया, दुकानदार ने ऑब्जेक्शन किया, उसको हैंडल किया, ये सारा चीज़ जो हो रहा है गेट द ऑर्डर स्टेप में हो रहा है। देन रिक्वेस्ट एंड मर्चेंडाइज। देखिए, मर्चेंडाइज यहाँ पे जो दिया गया है आर फॉर रिक्वेस्ट एंड मर्चेंडाइज, ओके। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर आपको पोस्टर लगाना, डैंगलर लगाना, कहीं पे आपको अगर विंडो है वहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो वो सारा चीज़ ठीक करना, तो ये सारा चीज़ आप इस वाले स्टेप में करोगे। स्टॉक का जो फेसिंग बनाना, फीफो करना, ये आप आउटलेट चेक स्टेप में ऑलरेडी कर चुके हो, वो वाला यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट एंड मर्चेंडाइज स्टेप में आप सिर्फ पोस्टर, बैनर, डैंगलर, जो भी ये सारा POP मटेरियल है उसको लगाने का काम करोगे। और ज़रूर ये दुकानदार का परमिशन लेके कीजिए, नहीं तो दुकानदार नाराज़ हो जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ई एंड द कॉल। इस स्टेप में आपको कॉल को एंड करना है, आपने जो ऑर्डर लिया है उसको एक बार रिपीट कर देना है ताकि कोई मिस ना हो गया हो, एंड जो भी ऑर्डर वैल्यू है बता देना है, अगला विजिट का डेट बताना है, इस ऑर्डर का डिलीवरी कब होगा वो बताना है। तो ये सारा चीज़ जो है बताना है। इसके बाद आप दुकानदार के साथ थोड़ा रिलेशनशिप बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो जो कि कॉमन इंटरेस्ट हो, क्रिकेट हो, मूवीज हो, वेदर हो, इसके बारे में बात कीजिए। कोई ऐसा सेंसिटिव चीज़ के बारे में बात मत कीजिए जिसमें आपको लगता है कि दुकानदार नाराज़ हो सकता है। देन स्टॉप एंड ट्रैक। इस वाले स्टेप में क्या है कि आपका कॉल एंड हो चुका है, आप दुकान से बाहर आ चुके हो, अभी आप थोड़ा ट्रैक करोगे कि आज का दिन में मेरा जो टारगेट था कितना मैंने कर लिया है, जो जो टारगेट था वो मैंने कितना किया है, कितना बाकी है, आने वाले कॉल में मुझे और कितना करना है, दैट इज स्टॉप एंड ट्रैक। एंड देन फाइनली सबमिट एंड एडमिट, दैट इज आप वापस फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में जा रहे हो, वापस आ गए हो, वहाँ पे आपने अगर कुछ कलेक्शन किया वो दे दिया, अगर आपने वहाँ पे कुछ रिपोर्ट फिलअप करना होता है वो आपने कर लिया, बिलिंग कराना है कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठना है बिलिंग कराना है तो वो करा लिया, और भी बहुत सारे चीज़ें जो आप इस टाइम कर सकते हो। एंड फाइनली यू विल बी रिपोर्टिंग टू योर बॉस कि आज का काम हो गया है ये। तो दिस इज स्टॉप एंड सबमिट एंड एडमिन। तो ये सारा स्टेप्स जो है इसमें तीन पार्ट में आपको डिवाइड आप कर सकते हो, दैट इज़ प्री कॉल, दैट इज़ कॉल से पहले, ड्यूरिंग द कॉल, दुकान के अंदर जो स्टेप्स है वो ड्यूरिंग द कॉल में आता है, एंड पोस्ट कॉल मतलब दुकान से बाहर जो कॉल होता है, दुकान से बाहर जो पार्ट ऑफ द कॉल है दैट। तो दिस इज व्हाट अ सेल्समैन इज एक्सपेक्टेड टू डू ड्यूरिंग द डे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़। थैंक यू।